कि सफलता का राज क्या है। भैया पापड़ बेले हैं वो सफलता का राज है। कैसे बताया जाए आपको, बताओ ना कैसे बताए आपको। मैं भाई साहब बुला लूं और हमारे जी भाई एक घंटे में कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बताया, वो कष्ट इन्होंने ही झेला है। तो आपको भी वो पापड़ झेलते हुए यहां तक पहुंचना है। यहां कोई ओवरनाइट चमत्कार होने वाला नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है। ठीक वर्ड यूज किया मैंने। और फिर एक साल के अंदर आप जेल, आपका प्लान जेल और फिर मार्केट से गायब। तो वो चाहना है तो वो कर सकते हैं। हवा बेचो और जेल में हवा खाओ। पिछले 5-6 साल में इंडिया में ये तूफान मचा था, बहुत से लोग तकलीफ में आ गए। हवा बेचो हवा खाओ, हम खुद तकलीफ में आ गए। हमने जिस कंपनी से पैसा लिया हमको नोटिस आ गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दिल्ली में। आपने इस कंपनी के लिए कार्यक्रम किया, एक बार आइए। तो जरा फीस ज्यादा थी नेचुरली, वो समझा हम पैसा लगाए उसमें। मैंने कहा तन मन धन सब है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, उसको बोला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मैंने कहा मालिक ये देखो फीस, ये रही रिसीप्ट, किसका किसका पैसा लगवाया है पहले वो दिख लो। हमने कहा भाई साहब सपने में नहीं सोचे आप जैसा व्यक्ति कैसे जुड़ गया इस कंपनी के साथ ट्रेनिंग करने। मैंने कहा अंदर तो घुसा नहीं था मैं, हमको दिखाई चाय की पत्ती, पीछे इन्वेस्टमेंट प्लान था, हम क्या करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको मार्केट में गाजर दिखाने वाले बहुत से लोग मिले रहेंगे। मेरी बात याद रखना, सीता ने जो लक्ष्मण रेखा पार करके गलती की थी आप मत कर देना। अपने को मेहनत का पैसा कमाना है, अपने को अपनी मेहनत की बरकत लेनी है और अपने के लोगों की दुआओं का पैसा कमाना है। इस बात में याद रखना, वो पैसा किस काम का जिसमें अपनी दुआएं ना हो। तो चार चीज में पहली चीज है विल। विल का मतलब है मैं खुद को कितना रोज मोटिवेट कर सकता हूँ। अब विल के अंदर भी 3 बातें नोट कर लीजिए। अभी हम पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लीडरशिप और पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं स्किल पे काम करूँगा। मुझे बस थोड़ा एक रामाई टाइम बता दीजिएगा मेरे हाथ में कितना पेंडिंग है, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, दूसरों की घड़ी देख लेता हूँ। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुड़ सिखा देंगे बादशाही की। किसी ने शेर सुना दिया था तब से घड़ी छोड़ दी। मैं वो बंदा हूँ जो बंदगी के उस मुकाम पर हूँ, जिसके आगे सर झुका दूँ उसको भगवान से मिला दूँ। क्या बात, कैसे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में शेर शायरी का बड़ा अजीब अंदाज है। दुख दरिद्र आपदा सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। मेरी बात समझा दी? तो पहली बात आप ध्यान रखें, विल के अंदर 3 चीज आपको मिलेंगी। अगर आप ये झेल पाए 90 दिन तक, तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे जितने भी मित्र बैठे हुए हैं, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? गुड गुड। अगले महीने के पे आउट में पता पड़ जाएगा पहुंची कि नहीं पहुंची। यही तरीका है इवैल्यूएट करने का। 3 बीमारियों से बचिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला है ना, दूसरा है फेलियर, तीसरा है रिजेक्शन। एक बार रिपीट करें जोर से, अंग्रेजी में बताऊं समझ में नहीं आया आपको, हिंदी में फिर से बोलिए। ना फेलियर और रिजेक्शन। अगर किसी ने आपसे ये बोला भाई ये किस काम में पड़ गए हो, किस बेकार काम में पड़ गए, क्या काम ले लिया, इंजीनियर बनो डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे बोलेंगे। इंजीनियर डॉक्टर कोई बुरा नहीं, लेकिन जो ट्रेंड माइंड होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रेंड माइंड होता है वो हर ना के बाद अपनी पीठ पर ऐसे थपथपी देता है। पता है क्यों? 11वें नंबर पर अगर हाँ वाला बैठा हुआ है तो 10 ना से गुजरना ही पड़ेगा। yes. आपको टेलीफोन कॉल आता होगा एक किसी कॉल सेंटर से, मान लो एक लड़की है सुबह सुबह फोन, इंश्योरेंस चाहिए क्या, लोन चाहिए, ऐसे कभी कभी कॉल आएंगे। कभी कभी आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, अरे आप तो क्यों कॉल कर रही है, और ना चाह के भी आप उसको गलत भाषा में बात कर देते हैं। कभी कभी लोग गुस्से में गाली गलौज भी कर देते, मगर वो कभी गाली नहीं देगी आपको। देखिए आप बोलेंगे हाँ उसने कभी गाली नहीं दिया, क्योंकि आपकी गालियों पर भी उसको कमीशन मिलता है। आपने गाली दे दी तो उसको बताया गया है अगर तूने 10 लोगों से गालियां सुनी तो आज का लंच फ्री है। अगर 11वें ने गाली ना देके इंश्योरेंस ले लिया तो लंच और कमीशन दोनों मिलेगा। जीवन
उनका मोटिवेशन का रूट आप ऐसे बना दिए, हर ना के बाद मैंने कही वाह दसवें के पास पहुंचा, वाह दसवें के पास। पर ना वाले को बस ये कहिएगा, ये नोट कर लीजिएगा माइंड में, हर नो नो इज परमानेंट नो। Yes. रिपीट करें जरा जोर से। Yes. No no is not. No no is permanent no. ये कह रहा है अभी मैं इसको सुनने की हालत में नहीं, बट इसने कभी ऐसे बोला आज के बाद इस बिजनेस प्लान को लेकर मेरे पास आया तो अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं नहीं बोले। तो इसका मतलब ये नो आज बोल रहा है, इसको अपनी अचीवमेंट भेजते रहो, प्रमोशन के गिफ्ट भेजते रहो, एक आधे प्रोडक्ट का सैंपल भी दे दो, क्या जाता है, क्या जाता है? भाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर बिजनेस करना है तो थोड़ा सैंपल वैम्पल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और हर महीने अपना पे आउट का थोड़ा, इस महीने का पे आउट पिछले से, और धीरे 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 उंगली उंगली पकड़ते पकड़ते एक दिन हाथ आ ही जाएगा। मैं एक ऐसे अप्लाइंट को जानता हूँ जिसने 15 साल बाद फॉलोअप करके एक बंदे को ज्वाइन कराया, 15 साल नॉन स्टॉप फॉलोअप, नॉन स्टॉप, और उस बंदे की वजह से आज उसने 10 करोड़ रुपए कमाए। सर 15 साल की मेहनत एक शॉट में निकाल ली उसने। मैंने कहा गुरु इतना किलो के भाव से पेशेंस लाते कहां से हो? असाधारण पेशेंस है ना ये तो, 15 साल फॉलोअप। अच्छा वो जाके भी, और भाई क्या हाल, बस सब ठीक है। एक दिन मुंह से निकल गया सब ठीक नहीं है। और